विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारीगण, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही नगर निकाय चुनाव के दृष्टि से बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी होते हुए अब गोरखपुर में आया हूं और 4 बजे से आप लोग भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं के बातों को सुनकर के अब तक मानसिक रूप से अपने सभी सहयोगियों को भी तैयार कर चुके होंगे कि इतना भाषण सुनने के बाद तो अब भाजपा को वोट देना ही देना है। हम सब जानते हैं आज गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और इससे पहले सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल 20 साल 25 साल पहले गोरखपुर में माफियागिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी, आबादी कम थी, सफाई नहीं होती थी, दिन भर जाम लगा रहता था, अपराध चरम पर था और लोग अपनी पहचान छुपाते थे। गोरखपुर से नहीं बोलना है, उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेना है। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है गोरखपुर में, अगर आप देखेंगे इसे, आप आज के दिन पर गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के नॉलेज सिटी के रूप में भी जान सकते हैं, मेडिसिन की सिटी के रूप में भी इसकी पहचान करा सकते हैं, बिजनेस सिटी के रूप में भी गोरखपुर को आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी गोरखपुर है। और जब रवि किशन जी और संजय निषाद जी की फिल्में एक साथ बनेगी रामगढ़ ताल में, तो इसको आप फिल्म सिटी भी कह सकते हैं, टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का डिग्री कॉलेजेज की एक लंबी श्रृंखला, और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। गोरखपुर में गौरव की अनुभूति कराने वाला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है, इसी सत्र में प्रारंभ हो जाएगा गोरखपुर में सैनिक स्कूल। और कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है या जो बच्चे जिनके मां बाप रजिस्टर्ड लेबर का काम करते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय भी सत्र में सैजनवा में प्रारंभ होने जा रहा है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटनरी कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था,